और गाइस ये व्यू आ रहा है ना, जो व्यू क्या गजब व्यू आ रहा है, पीछे से कर्व लेके हमारी ट्रेन आ रही है, मजा आ गया ऐसा व्यू देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आई थिंक आप अच्छे ही होंगे क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अच्छे ही होंगे और इस वीडियो को देख के और आप और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, जो कि आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आज की इस वीडियो में हम गेम प्ले करेंगे इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D का, और जिसमें आज हम लोकोमोटिव के अंदर नहीं, ना ही कोच के अंदर, हम जर्नी करने वाले हैं लोकोमोटिव के ऊपर बैठ के, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो एक बार यहाँ से छलांग लगा के देखते हैं, परफेक्ट है। तो अब जल्दी जल्दी दो तीन बार यहाँ से छलांग लगा के देख लेते हैं। मैं तो थक गई भाई। चलो काफी भाग दौड़ हो चुकी है, अब यहाँ पे इस हम दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेन आई या नहीं। हमारी ट्रेन ये बीच वाले ट्रैक पे आएगी, एक बार यहाँ से भी जंप करके देखते हैं, परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं दूसरे वाले रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे कोई उत्कृष्ट ICF कोचेस के साथ, ब्लू लोकोमोटिव के साथ कोई ट्रेन अराइवल ले रही है, तो हम इसी के ऊपर एक बार ट्राई करते हैं जंप करने का, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं इसी के ऊपर जंप करने का, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम बचा है, जब तक हम इस पर ट्राई करते हैं आगे पहुंच गए ज्यादा। यहाँ पे ओके जंप कर जल्दी 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 जल्दी। अरे यार लेट हुआ, ओ शिट यार लेट तो हो ही गए, ऊपर से हम एक गलत जगह कूद गए, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। एक काम करते हैं, ट्रेन रुकेगी और इसके गेट में से घुस के हम दूसरे वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां से घूम के आएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और जल्दी से अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि ट्रेन हमारी आने वाली है। ये ट्रेन जब आती है तो उसके जस्ट पीछे ही एक मिनट बाद वो वाली ट्रेन आती है और स्पीड में यहाँ से क्रॉस करके निकलती है, तो जल्दी चलना होगा। मुझे लग रहा है गाइज वो ट्रेन आने ही वाली है। चल 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 चल, वी कैन डू इट मैन, वी कैन डू इट। जल्दी चलते हैं यहाँ इस वाले ट्रैक पे, आइए देखिए बीच वाले पे। ओके गाइज यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप सामने देखिए वो आ रही है, हमारी महामाना एक्सप्रेस आ रही है। वो कभी कभी यहाँ पे दो लोकोमोटिव भी आते हैं साथ में, तो हम इस महामाना एक्सप्रेस के ऊपर जंप करेंगे और यहाँ पे थोड़ा पीछे ले लेते हैं, पोजीशन बिल्कुल सेट करेंगे और यहाँ पे देखते हैं सिग्नल अभी ग्रीन हो के रखा है गाइज, यहाँ पे इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ से स्पीड में निकलने वाली है। तो यहाँ पे जंप करेंगे और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे काउंट करके हम जल्दी से पोजीशन हमने ले लिया, हम यहाँ से जंप करेंगे और इसके ऊपर जंप, लेकिन स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस पर जंप करेंगे 1 2 एंड गो भाई साहब। ओ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बच गया, अगर थोड़ी और आगे रह जाते तो आगे जाके हम ड्राइवर के जो आगे जो मिरर लगा होता उसके ऊपर हम हच से करते, ड्राइवर तो डर ही जाता, हम भी डर जाते। और यहाँ पे इंजन के आगे ऊपर आ चुके हैं लोकोमोटिव के आगे, लेकिन स्पीड कम हो चुकी है, रुक रही है ट्रेन यहाँ पे। लगता है ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, उसे लगा यहाँ पे कोई ऊपर गिरा इस चक्कर में उसने ब्रेक लगाया, लेकिन यहाँ पे गाइस एक उत्कृष्ट कोचेस तो नहीं है, ICF कोचेस के साथ कोई ट्रेन यहाँ पे अराइवल ले रही है, जो कि यहाँ से डिपार्चर कर रही है सुपर फास्ट स्पीड से, और हमारी महामाना एक्सप्रेस भी यहाँ पे नहीं रुकी, उसने बस स्पीड को कम किया था रेलवे जंक्शन पर और यहाँ से इसने डिपार्चर कर लिया है। हम पहुँचेंगे अब ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर से गाइस आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही शानदार व्यू आने वाला है, बहुत ही शानदार मतलब देखने लायक व्यू आने वाला है। तो हम पहुंचने वाले हैं ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर पहुंचेगा गाइस, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के शाउट आउट की। आज का पहला शाउट आउट जाता है कावासाकी निंजा 102 को, इन्होंने बोला एनएमएन भाई प्लीज शाउट आउट। तो कावासाकी निंजा आप कैसे हैं आप कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपने आप ये शाउट आउट को देख लिया। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट शाउट आउट की ओर। आज का नेक्स्ट शाउट आउट जाता है पॉप पॉप गो फन, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा फनी नेम है, और यहाँ पे 6749 इन्होंने बोला है शाउट आउट प्लीज, आई लव योर वीडियोस, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव कमेंट, एंड आप कैसे हैं आप कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं अब हमारे थर्ड नंबर की शाउट आउट की ओर। तो आज का थर्ड नंबर का शाउट आउट जाता है जगदीश सिंह सारवैया, इन्होंने बोला शाउट आउट प्लीज। तो भाई आप कमेंट में कैसे आप, सॉरी एक्चुअली में पता नहीं आपको, एक तो क्या आदत पड़ गई ना बोलने की, तो मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट में कैसे हैं आप बताएं। एक्चुअल में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको शाउट आउट देता हूँ, आप कैसे हैं आप कमेंट में जरूर बताइए। ये थोड़ा मतलब आदत सी पड़ गई, इसलिए ऐसा गलत बोल दिया मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, क्योंकि इंडिया है सबसे बड़ा इंडिया, और आई प्राउड ऑफ माई इंडिया।
आप लोग प्राउड करते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। एंड गाइज, अगर आप लोग भी आपकी वीडियो पे सॉरी आपके कमेंट पे शाउट आउट चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तो मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। हर तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर से जो व्यू आ रहा है ना, ऊपर एंगल करके क्या गजब व्यू आ रहा है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन चढ़ने वाली है ब्रिज के ऊपर, स्पीड कम कर लेगी यहाँ पे ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद, क्योंकि ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ेगी तो ऑफकोर्स स्पीड को कम तो होना ही होना है। लेकिन अगर आपने अभी तक लोकोमोटिव के ऊपर बैठ के जर्नी नहीं करी तो आप इस गेम में ब्रिज के ऊपर से जंप करके एक बार ट्राई जरूर करिए। एंड आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो मैं उस इंटरेस्टिंग गेम प्ले उसका भी बना दूंगा। और यहाँ पे जो व्यू आता है ना बहुत ही शानदार आता है, भले आप ब्रिज के नीचे हों या ब्रिज के ऊपर, जो व्यू आते हैं ना बहुत ही क्लासिक आते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको पीछे मुड़ के बताता हूँ, पीछे से जो टर्न होके कर्व लेके हमारी जो ट्रेन आ रही है ये देखिए क्या शानदार लुक आ रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहा है यहाँ पे। क्या गजब हॉर्न बजाते हुए हमारी मामाना एक्सप्रेस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है क्या सामने? नहीं। तो यहाँ पे मामाना एक्सप्रेस अब स्पीड तेज कर ली है क्योंकि अब ब्रिज से ऊपर उतरने का टाइम आ चुका है। हम दूसरे कोर्स पे जाने की एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि वैसे मुझे लगता है चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रिज को पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया। लेकिन डाउट ये भी है, अगर मैं दूसरे कोर्स के ऊपर जाऊँगा और अगर मैं नीचे गिर गया तो मैं घर का ना घाट का कहीं का नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे एक बार ट्राई कर ही लेते हैं क्या जाता। ओ परफेक्ट, अरे नहीं यार, थोड़ी दूर तक तो हम चल पाए लेकिन उसके बाद हम नीचे गिर गए। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हम ये विकलांग वाले कोच में आ गए जो कि यहाँ पे ना तो बैठने का ऑप्शन रहता ना कुछ। तो मैं आपको गेट से व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई एक और पटरी यहाँ पे आ चुकी है, लगता है हम किसी रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुँच के हम उतरेंगे, पानी वानी पियेंगे वहाँ पे, देन वहाँ पे एक ट्रेन और आएगी जो मैं आपको दिखाऊंगा, उस ट्रेन के साथ हम कुछ स्कैम करेंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक तो देखने हैं। तो यहाँ पे ये आ चुके हैं हम किसी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे उतर जाते हैं, चलती ट्रेन से उतरेंगे। वैसे रियल लाइफ में तो उतरना नहीं चाहिए लेकिन हम यहाँ पे गेम है, गेम में हम कुछ भी कर सकते हैं। 17342 ट्रेन का नंबर है और यहाँ पे महामाना एक्सप्रेस है। गाइस, अगर आपने कभी महामाना एक्सप्रेस में सफ़र किया है, जर्नी करी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे हम उतर चुके हैं, ये भाई ये रुक रही है कि नहीं रुक रही? रुकना तो चाहिए वैसे, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रही इसकी। ओके परफेक्ट, यहाँ पे महामाना एक्सप्रेस ने ब्रेक यहाँ पे लगा दिया है, महामाना एक्सप्रेस यहाँ पे रुक चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जाके देखते, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने तुरंत यहाँ से डिपार्चर भी ले लिया। महामाना एक्सप्रेस आई, हम उतरे और ये तुरंत यहाँ से डिपार्चर लेके निकल चुकी है। लेकिन मुझे सामने कोई ट्रेन आती दिख रही है दूसरे ट्रैक से, यहाँ पे चलते हैं जल्दी और यहाँ पे आगे चलेंगे थोड़ा। यहाँ से तो नहीं दिख रही मुझे, उस वाले प्लेटफॉर्म से दिखी थी। थोड़ी आगे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कोई ट्रेन यहाँ पे आती हुई दिखी थी मुझे, अगर वो आ रही है तो हम उसी में जर्नी करेंगे या फिर उसके साथ स्कैम कर देंगे। ये देखिए सामने, अगर आप देख सकें ये देखिए गाइस, एक छोटी सी ट्रेन दिख रही है, लेकिन गाइस वो मुझे नहीं लगता वो आने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप बताइए आपको ऐसी इंटरेस्टिंग लोकोमोटिव के ऊपर जर्नी वाली वीडियो कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।